प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के सागबाड़ा और कोटडी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में ही जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हुए हैं। पिछली दफा भी पाप करके वो लोग आपकी आंखों में धूल झोंक के गए थे। इस बार नया नाम लेकर वो आपको ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस के परिवार के खिलाफ में जिसने बोला उसकी राजनीति गड्ढे में गई है। राजेश पायलट ने एक बार कहा था कि उनकी सजा उनके बेटे को भी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग होर्डिंग में दलित नेता खड़गे की फोटो नहीं लगाते। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन रहेगा। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया, कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े प्रमुख जिलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मैं तो आप डूंगरपुर के लोगों को कहूंगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न देखा हो, सरदार पटेल का एक भव्य स्मारक नहीं देखा है। आप कार्यक्रम बनाइए, जाइए, आप देखेंगे कैसा बड़ा सम्मान सरदार पटेल को हमने दिया है। वे तो कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए करते हैं ना, हम उनके लिए जीते हैं। हर रोज हजारों लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया। और यही कांग्रेस की सच्चाई है, और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस ना दलितों की है, ना पिछड़ों की, ना आदिवासियों की, ना गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर